आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। जिला बरेली के नवाबगंज में कोरोना योद्धा फिर सक्रिय हो गए हैं। तीसरी लहर के आने से पहले सीएससी का स्टाफ लगातार जगह जगह राहगीरों का कोरोना टेस्ट कर रहा है, जिससे तीसरी लहर का डट कर सामना कर सके। लोगों को रोक रोक कर उनको मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है, साथ ही उनका कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया जा रहा है। ये टीम लगातार क्षेत्र में वर्क कर रही है और तीसरी लहर से लड़ने की पहले से तैयारी की जा रही है। इस मौके पर आरती सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट अनिल कुमार, नेत्र परीक्षण अधिकारी काउंसलर ज्योति हरिओम का अंधार चीता मोबाइल सेकेंड से और उनके साथ सुरेंद्र होमगार्ड मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आरटीपीसीआर का टेस्ट चल रहा है, आरटीपीसीआर प्लस एंटीजन चल रहा है। ये हम लोग पब्लिक की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किसको क्या कब इन्फेक्शन कहाँ से लगेगा, इसीलिए हम उसको सिक्योर कर पाए। तो ये आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ तक जाएगी? ये गाड़ी हमारे रहमान चौधरी है, हम लोग आज यहाँ है, कल भी यहाँ थे, कल कहाँ होंगे, ये तो हमारा प्लान, हम क्या परेशान कर रहे हैं, ये रैंडम प्लान है, ये पता चल जाता है। हम लोग ऑन रोड ही कर रहे हैं, ऑन रोड कर रहे हैं। अभी तिजोरिया कवर कर चुके हैं पूरा। अभी क्षेत्रीय जनता को क्या मैसेज देंगे, जो राहगीर हैं उनको क्या मैसेज देंगे? राहगीर को बस यही मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो पब्लिक है वो दूरी बना के रखे, प्रॉपर मास्क वेयर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू। आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर।